भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी दे रही हूँ कि आज पूरा देश आप पर नजर रख रहा है। अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा, यहां तक कि भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। आप इस हद तक गिरे हैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। डायबिटीज के एक सीवियर पेशेंट होने के नाते दिन में कई बार उनका शुगर लेवल मॉनिटर होता है। जिस हिसाब से उनका शुगर लेवल बढ़ता है गिरता है उसी के अनुसार उनको दवाई लेनी होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं और उसी अनुसार उनका खान पान और डाइट होती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जब सीवियर होती है तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज़ का असर इंसान के हार्ट पे भी पड़ता है, किडनी पर भी पड़ता है, आँखों पर भी पड़ता है, पूरे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। सीवियर डायबिटीज़ का एक बहुत मेजर खतरा शुगर लेवल गिरने का होता है जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट का शुगर लेवल कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता। तो अरविंद केजरीवाल ऐसी सीवियर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, लेकिन इस डायबिटीज़ के बावजूद भी, इतनी बीमारी के बावजूद भी आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी डायबिटीज़ को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी देश के सेवा में कभी अड़चन नहीं डालने दी है। चाहे अनशन पे बैठना हो, एक बारी वो सुंदर नगरी में अनशन पे बैठे, एक बार जंतर मंतर पे अनशन पे बैठे, वो दिन रात दिल्ली वालों के हित में सुबह से लेके रात तक काम करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को ध्यान ना रखते हुए भी अपनी वो देश की सेवा में कभी भी उन्होंने आज तक स्वास्थ्य को अड़चन नहीं बनने दिया है। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा, एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज़्यादा वज़न घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि पूरा देश आज उन्हें देख रहा है, आज देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना कोई नॉर्मल बात नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी जिसे स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं है, लेकिन एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट के लिए 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना एक बहुत खतरनाक चीज है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए
किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी दे रही हूँ कि आज पूरा देश आप पर नज़र रख रहा है। अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा, यहाँ तक कि भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आप इस हद तक गिरे हैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए।